बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 19 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। आपके स्मार्ट सिलेबस में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इंक्लूड हैं वो हैं 19.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। फर्स्ट टू प्रॉब्लम्स इंक्लूड नहीं है और बाकी 10 तक सारे प्रॉब्लम्स इंक्लूड हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं 19.3 से। 19.3 की स्टेटमेंट है, फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन इन रेडियो वेव ऑफ वेवलेंथ 100 नैनोमीटर, ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 550 नैनोमीटर, एक्सरे विद वेवलेंथ 0.2 नैनोमीटर। इसका मतलब है कि आपको वेवलेंथ गिवन है और आपने एनर्जी फाइंड करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एनर्जी का और वेवलेंथ का रिलेशन देखना पड़ेगा। तो अगर आपको प्लैंक्स अजम्पशन याद हो, प्लैंक्स लॉ याद हो, तो वो था ई इक्वल्स टू एच एफ, वेयर एफ इक्वल्स टू सी ओवर लैम्डा। तो एनर्जी का और वेवलेंथ का क्या रिलेशन बनता है? ई इक्वल्स टू एच सी ओवर लैम्डा, जिसमें एच भी कॉन्स्टेंट है और सी भी कॉन्स्टेंट है। ठीक है, लेमडा यानी वेवलेंथ की वैल्यूज आपको गिवन है, तो सिंपल आप वेवलेंथ की वैल्यू लगाएंगे, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू लगाएंगे और आपके पास एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो बारी बारी इन तीनों की एनर्जीज कैलकुलेट करनी है हमने। एक और चीज कि जहां नैनोमीटर में वेवलेंथ है वहां आपने उसको कन्वर्ट करना है मीटर में। ठीक है, तो इसका सलूशन देखते हैं। ये है जी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 19.3, ये है 19.3 प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम करते हैं रेडियो वेव्स की एनर्जी कैलकुलेट। ये देखें, जो अभी मैं आपको बता रही थी इक्वल्स टू एच एफ, वेयर एफ इक्वल्स टू सी ओवर लैम्डा, इसकी वैल्यू पुट की तो एनर्जी का और वेवलेंथ का रिलेशन बन जाता है इक्वल्स टू एच सी ओवर लैम्डा। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेडियो वेव्स की तरफ आते हैं। रेडियो वेव्स की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए उनकी वेवलेंथ पुट करेंगे। 100 मीटर थी तो हमने 100 लगा दी, बाकी ये कॉन्स्टेंट की वैल्यू है, ये एच की वैल्यू है और ये सी की वैल्यू है। ठीक है, सॉल्व करें इसको। ठीक है, ये आप सोल्यूशन देख रहे हैं, ये पावर सॉल्व हुई है, तो आपका आंसर आता है 19.89 इनटू 10 रेज टू द पावर -28 जूल। अच्छा, आप एक बात अपने जहन नशीन कर लें कि जब भी हम फोटोन्स की बात कर रहे होते हैं तो फोटोन्स की केस में, या चलें फोटोन्स भी छोड़ें, जब हम स्मॉल स्केल पर बात कर रहे होते हैं, अब चाहे वो फोटोन्स हों, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हों या कोई और सब एटॉमिक पार्टिकल हों, उनकी एनर्जीज जो हैं वो हम हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आप देखें कि ये जो जूल में एनर्जी आई है ये 10 रेस टू द पावर -28 जूल है, तो जूल के अंदर ये एनर्जी बहुत ही छोटा फैक्टर रिप्रेजेंट कर रही है, 10 रेस टू द पावर -28। ठीक है, तो ऐसे स्केल्स पर, ऐसे स्मॉल स्केल के ऊपर जो कन्वीनियंट यूनिट है एनर्जी का वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जूल की बजाय। ठीक है, तो जहां भी आपको स्मॉल स्केल नजर आए, आप न्यूक्लियस की बात कर रहे हो, आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, आप सब एटॉमिक पार्टिकल की बात कर रहे हो, आप फोटोन्स की बात कर रहे हो, उन सब केसेस में ये अंडरस्टूड है कि एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना ज्यादा कन्वीनियंट है। ठीक है, तो ये बात कहीं भी बताने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है। तो अब चूंकि हम फोटोन्स को डिस्कस कर रहे हैं तो इस जूल वाली एनर्जी को हम कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्जन आपको अच्छी तरह से याद है कि जो जूल वाला आंसर होता है उसको आप डिवाइड कर देते हैं 1.6 × 10⁻⁹ से, तो जो आपका आंसर बनता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। ठीक है, तो यही काम हमने यहाँ पर भी किया है, ये जूल में आंसर था और इसको हमने डिवाइड कर दिया 1.6 × 10⁻⁹ से, तो जो आपके पास अब यूनिट बनेगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करें, ये पावर सॉल्व हुई है तो एट द एंड आपके पास आंसर आ जाता है 1.24 × 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ठीक है, ये एनर्जी है रेडियो वेव्स की। सिमिलरली हम ग्रीन लाइट की कैलकुलेट करके देखते हैं, एच और सी की वैल्यूज तो एज इट इज रहेंगी, सिर्फ लेमडा जी यानी कि ग्रीन लाइट की जो वेवलेंथ है वो चेंज होगी। वो हमने लगाई, देखिए नैनोमीटर में थी ना वेवलेंथ, तो नैनो की जगह 10^-9 पुट कर दिया। ठीक है, इनको सॉल्व किया, पावर सॉल्व की तो आपके पास ये आंसर आ गया 0.036 × 10^-17 जाउल। तो अब जाउल वाले आंसर को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है क्योंकि हम फोटोन्स की एनर्जी फाइंड कर रहे हैं, तो 1.6 × 10^-19 से डिवाइड कर दिया। और उसके बाद जब सॉल्व किया तो सॉल्व करके एट द एंड आपके पास आता है 2.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये जो ग्रीन लाइट है उसकी एनर्जी आ गई है। थर्ड वन इज एक्सरेज, तो एक्सरेज के लिए उसी फॉर्मूले के अंदर हमने एक्सरे की वेवलेंथ पुट कर दी, सॉल्व किया तो ये हमारे पास जाउल में आंसर आ गया। इस जाउल वाले आंसर को हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया और सारी चीजों को सॉल्व किया तो एट द एंड हमारे पास आ गया 6215.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये एक्सरेज की एनर्जी आ गई है। तो ये तीनों आंसर्स हमारे पास आए हैं, इनको मैच कर लेते हैं हम। ये देखें 1.24 × 10^-8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 6200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 6200 आया है, ये जब आप इसको सॉल्व कर रहे थे ना यहाँ पर, ये देखें 62 है ना, तो इसको आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, 62.156 है, तो 1 जो है 1 से ऑनवर्ड आप पॉइंट को स्किप कर दें, यहाँ पे इग्नोर कर दें, तो सिर्फ 62 रह जाएगा। तो 62 को जब आप 10^2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6200 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप जो है वो इसका आंसर 6200 लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये था 19.3 प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज 19.4, येलो लाइट ऑफ 577 नैनोमीटर वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन अ सीजियम सरफेस, द स्टॉपिंग वोल्टेज इज फाउंड टू बी 0.25 वोल्ट, फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम। तो आपको जो मेटल सरफेस है वो सीजियम दी हुई है जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है 0.25 वोल्ट। ठीक है, अब जब स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको पता चल गया है तो आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, और जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी तो आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन थी, ठीक है ना, जिससे आप वर्क फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो अभी ये हम करते हैं तो आपको आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएगा। जो हमें गिवन डाटा है उसमें एक वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ येलो लाइट, और दूसरा स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं इसके। तो ये वेवलेंथ गिवन है, नैनोमीटर में थी, इसको मीटर में कन्वर्ट किया, स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.25 वोल्ट गिवन है, हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम चाहिए। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले पहला पार्ट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 1/2 mv max square = V0 E। ठीक है, सारी इक्वेशंस जो हैं हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले टॉपिक के अंदर पढ़ी हुई हैं। ठीक है, ये इक्वेशन हमने वहीं से उठाई है, वी नॉट ई है, वी नॉट की वैल्यू आपको गिवन है ऊपर, ये देखें, और ई जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है। तो वैल्यूज लगाएं, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज आपको पता है 1.6 × 10^-19 कूलम होता है। ठीक है, वैल्यूज लगाई हमने, वैल्यूज लगाकर जो आपका आंसर आता है वो आता है 4 × 10^-20 जाउल। ठीक है, ये आपकी आ गई है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नेक्स्ट इज द वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन हमने आइंस्टाइन की इक्वेशन यूज की है, HF - V0 E। ठीक है, आइंस्टाइन की इक्वेशन अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी जो है वो किसके बराबर होती है, वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आप ये V0 E ना लिखें, इसकी जगह मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिख लें, तो ये वही इक्वेशन बन जाती है जो आपने चैप्टर के अंदर पढ़ी है। ठीक है, तो फॉर द सेक ऑफ इजीनेस आप यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिख लें इंस्टेड ऑफ V0 E। ठीक है, तो ये बन जाएगा HF माइनस
मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो अब आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल वही इक्वेशन है जो हमने टॉपिक के अंदर पढ़ी थी। ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यानी वी नॉट ई हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किया, वो एज इट इज यूज कर लेंगे। फिर जो एच एफ था, अब हमारे पास जो डेटा है उसके अंदर वेवलेंथ गिवन है, ये देखें, तो हमने फ्रीक्वेंसी को रिप्लेस कर दिया सी ओवर लेमडा से, ताकि हमारे पास एच सी ओवर लेमडा बन जाए और वेवलेंथ आ जाए। ठीक है, तो वर्क फंक्शन अब क्या बन गया, एच सी ओवर लेमडा माइनस वी नॉट ई या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। एच की वैल्यू और सी की वैल्यू लगाई, फिर उसके बाद लेमडा की वैल्यू लगाई और जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऊपर कैलकुलेट की थी वो एज इट इज लगा दी। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है। ये देखें इसका सॉल्यूशन, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये माइनस 17 पावर आई थी, इसको माइनस 20 बनाया ताकि दोनों पावर सेम हो जाए और हम इसको इजीली सॉल्व कर सकें। इसको सॉल्व किया तो 30.4 × 10⁻²⁰ जूल आ गया। ठीक है, उसको हमने कन्वर्ट किया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब कन्वर्ट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आई थी 4 × 10⁻²⁰ जूल और फाई यानी कि वर्क फंक्शन आया था 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैच कर लेते हैं अपने आंसर्स। ये देखिए 4 × 10⁻²⁰ जूल एंड 1.91 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारे आंसर्स हैं। नेक्स्ट इज 19.5। एक्सरेज ऑफ वेवलेंथ 22 पिकोमीटर आर स्कैटर्ड फ्रॉम अ कार्बन टारगेट। द स्कैटर्ड रेडिएशन बीइंग व्यूड इज 85 डिग्री टू द इंसिडेंट बीम। व्हाट वुड बी द कॉम्प्टन शिफ्ट। आपके पास वेवलेंथ गिवन है और स्कैटरिंग एंगल गिवन है। ठीक है, आपने कॉम्प्टन शिफ्ट बताना है। तो कॉम्प्टन शिफ्ट का जो फॉर्मूला है हम वही यूज करते हैं। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो कॉम्प्टन शिफ्ट यानी कि डेल्टा लैम्डा वाज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी इनटू 1 माइनस कॉस थीटा, वेयर एच एंड सी आर कांस्टेंट, एम नॉट इज द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है और नोन है। ठीक है, इसका मतलब है सारा फैक्टर जो है ये नोन है, इसकी वैल्यूज जो है वो हमारे पास मौजूद है। फिर 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा आपको गिवन है। ठीक है, तो सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, एच की, एम नॉट की और सी की और थीटा की, तो हमारे पास ये चीज बन जाती है। इसको अब हमने सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। ये पावर सॉल्व हुई हुई है आप देख रहे हैं और ये वाला फैक्टर सॉल्व होकर 0.913 आया हुआ है, और जब इस सबको इकट्ठा किया हमने तो ये बन गया 0.22 × 10⁻¹⁰ मीटर। अब इसको हमने क्या किया, एक जो डेसिमल पॉइंट है उसको हमने राइट साइड पर शिफ्ट किया तो -11 जो है वो -12 बन गया। सो द आंसर इज 2.2 × 10⁻¹² मीटर, जिसको आप लिख सकते हैं 2.2 पीकोमीटर। ठीक है, सो द कॉम्प्टन शिफ्ट फॉर दिस प्रॉब्लम इज 2.2 पीकोमीटर, 2.2 × 10⁻¹² मीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट इज 19.6, 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये यूनिट आपको बता रहा है, ये एनर्जी है। 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्सरे फोटोन इज फायर्ड एट अ कार्बन टारगेट एंड कॉम्प्टन स्कैटरिंग अकर्स। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ चाहिए, एंड द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन, स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ फिर आपको चाहिए। फॉर द स्कैटरिंग एंगल ऑफ ए 30 डिग्री, बी 60 डिग्री। तो आपके पास एनर्जी गिवन है और एंगल गिवन है, और आपने क्या करना है, इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ फाइंड करनी है और स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो उसी तरह से कॉम्प्टन शिफ्ट का फॉर्मूला होगा। ठीक है, लेकिन अब हमने इसको बड़ा वाइजली यूज करना है, क्योंकि अब हमें इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ निकालनी है और स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ निकालनी है। ठीक है, और हमें जो चीज गिवन है वो एनर्जी है, राइट। अच्छा, एनर्जी जो हमें उस वक्त के गिवन है जब हमने उसको फॉल करवाया है। ये देखें, अ 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्सरे फोटोन इज फायर्ड एट द कार्बन टारगेट। इसका मतलब है कि जब
जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी आपको बताई हुई है कि इतनी है, ठीक है? तो एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन आपको पता है, तो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी जो है वो इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ दे देगी आपको बाय द रिलेशन इक्वल्स टू एच सी ओवर लेमडा, ठीक है? तो ये आपके पास इंसिडेंट एनर्जी है जिससे आप इंसिडेंट वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आ गया है, लेमडा ए को दूसरी तरफ ले गए और ई को डिनोमिनेटर में ले आए। एच भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, ई की वैल्यू गिवन है। अच्छा एक बात और, ई की वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, इसको आपने जौल में कन्वर्ट करना है क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना इसके अंदर एनर्जी जौल में होती है, ठीक है? तो इसको आपने जौल में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 × 10⁻¹⁹ से, तो आंसर जौल में आ जाएगा। तो ये आपका आंसर जो है वो जौल में आता है। तो इस फॉर्मूले के अंदर आपने एनर्जी की जो वैल्यू पुट करनी है दैट मस्ट बी इन जौल, ठीक है? तो वैल्यूज जब लगाई और उनको सॉल्व किया तो फाइनली आपके पास आंसर आ जाता है 13.8 × 10⁻²⁰ मीटर या फिर 13.8 पिकोमीटर। तो ये आपके पास निकल आई है इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ। अब क्या रह गया, अब स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ रह गई है। अब जाहिर है स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ निकालने के लिए हमें कॉम्पटन शिफ्ट का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जिसमें कॉम्पटन शिफ्ट जो है ये आपको पता है कि डिफरेंस है वेवलेंथ का, ठीक है? यानी कि स्कैटर्ड वेवलेंथ माइनस इंसिडेंट वेवलेंथ, ठीक है? बाकी राइट साइड ऑफ द फॉर्मूला विल रिमेन सेम, एच ओवर एम नॉट सी इनटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब इंसिडेंट फोटोन तो आपके पास गिवन है, ठीक है? अब सॉरी गिवन नहीं है, इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ वो अभी हमने फाइंड की है। तो आप इसको फॉर्मूले की दूसरी साइड पे ले जाएं, तो ये जो है ये आपका एक्सप्रेशन बन गया है जिससे आप स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं, राइट? तो हमारे पास दो केसेस थे एंगल के, एक 30 था और एक 60 था, तो दोनों के लिए बारी बारी निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम 30 के लिए निकालते हैं, तो बाकी सारी चीजें तो सेम रहेंगी, सिर्फ एंगल की जगह पे 30 आ जाएगा, ठीक है? सारी वैल्यूज लगाइए, आप ये देखेंगे इसको सॉल्व किया हुआ है, टर्म बाय टर्म हमने सॉल्व किया है, ये देखिए सारे स्टेप्स आप देख रहे हैं। अब ये पावर्स जब हमने सेम कर ली तो उसको कॉमन निकाला और बाकी चीजों को हमने प्लस कर दिया, सम कर दिया, तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 14.12 पिकोमीटर, ठीक है? दिस इज द स्कैटर्ड वेवलेंथ फॉर द एंगल 30 डिग्री। सेम प्रोसेस, सेम फॉर्मूला हमने यूज किया 60 डिग्री के लिए। तो ये आप इसका सोल्यूशन देखिए, एंगल की जगह 60 डिग्री आ गया, बाकी सारी चीजें एज इट इज। देखिए आगे जो है इसका सोल्यूशन है, इसको सॉल्व किया हुआ है, ये देखिए ये सारे स्टेप्स आप फॉलो करें, देखें कैसे हुआ है। 10⁻¹⁰ इस टर्म में आया था, इसको -12 बनाया ताकि दोनों पावर सेम हो जाए, कॉमन लिया 10⁻¹⁰ और अंदर जो टर्म्स थे उनको सम कर दिया, तो आपके पास आंसर आता है 15 × 10⁻¹² पिकोमीटर, सॉरी -12 मीटर, जिसको आप 15 पिकोमीटर कह सकते हैं, ठीक है? तो क्या रिजल्ट आया आपके पास, इंसिडेंट वेवलेंथ इज 13.8 पिकोमीटर, स्कैटर्ड वेवलेंथ फॉर 30 डिग्री एंगल इज 14.12 पिकोमीटर एंड स्कैटर्ड वेवलेंथ फॉर 60 डिग्री एंगल इज 15 पिकोमीटर। मैच कर लेते हैं अपने आंसर्स, 13.8 पिकोमीटर, 14.1 पिकोमीटर एंड 15 पिकोमीटर, ठीक है? तो ये आपके आंसर्स हैं एस्थमेटिकल प्रॉब्लम के। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 19.7। व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द टू फोटॉन्स प्रोड्यूस्ड व्हेन अ पॉजिट्रॉन एनिहिलेट्स एन इलेक्ट्रॉन, द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ ईच इज 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने बताना है कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों एनाइलेट होते हैं, ठीक है? उनसे जो गैमा रेडिएशंस बनती हैं उनकी मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होती है, ठीक है? मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब है लोएस्ट एनर्जी, जबकि रेस्ट मास एनर्जी जो है वो क्या गिवन है, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है? तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। रेस्ट मास एनर्जी ऑफ फोटोन इज 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
और इसको आपने जब कन्वर्ट किया जूल में तो मल्टीप्लाई करवाया 1.6 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 19 से, और जब आपने इसको सॉल्व किया ना तो इसका आंसर आया 18.16 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 14 जूल। ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ या लोएस्ट एनर्जी। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ। रेस्ट मास एनर्जी जो है वो किसी भी पार्टिकल की जो है वो आप कह लें मिनिमम एनर्जी होती है। ठीक है, जब वो रेस्ट के ऊपर है, जैसे ही वो मूव करना शुरू करता है तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो मिनिमम एनर्जी जो है वो रेस्ट मास एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, अब मिनिमम एनर्जी की जब बात कर रहे हैं हम, तो वो आपको क्या दे रही होती है, अगर हम यानी कि इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ बात करें तो मिनिमम एनर्जी का मतलब है मैक्सिमम वेवलेंथ। और क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन में आपसे कहा है मैक्सिमम वेवलेंथ आपने बतानी है। ठीक है, तो मैक्सिमम वेवलेंथ निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी यूज होगी, और मिनिमम एनर्जी क्या है, रेस्ट मास एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाता है कि जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो किससे आएगी, रेस्ट मास एनर्जी से आएगी, जो कि गिवन थी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको हमने कन्वर्ट किया जूल में, जिसका आंसर ये आ जाता है। ठीक है, तो यही एनर्जी आपको मैक्सिमम वेवलेंथ देगी। तो वैल्यूज लगाते हैं, रिलेशन आपको पता है इक्वल्स टू एच सी ओवर लैम्डा। लैम्डा चाहिए आपको, इसको दूसरी तरफ ले जाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें मतलब, तो एच सी ओवर ई बन जाएगा। एच भी कॉन्स्टेंट है, सी भी कॉन्स्टेंट है, और ई की वैल्यू जो है वो हमने जूल में निकाल ली है गिवन वैल्यू से। ठीक है, सारी वैल्यूज लगाई हैं और इनको सॉल्व करें, ये देखें पावर सॉल्व हुई है, तो आपके पास आंसर आ जाता है 2.43 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 12 मीटर, या फिर 2.43 पिकोमीटर। सो दिस इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द फोटोन क्रिएटेड इन केस ऑफ मैटर एनाइलेशन। तो ये देखें 2.44 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 12 मीटर। नेक्स्ट इज 19.8 स्टेटमेंट है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ 140 ग्राम बॉल मूविंग एट 40 मीटर पर सेकेंड। तो बॉल जब दी हुई है तो बॉल मैटर है, सॉलिड है, तो मैटर की वेवलेंथ का क्या मतलब होता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो आपने क्या निकालना है, यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है। बी केस में है प्रोटोन मूविंग एट द सेम स्पीड, यानी कि प्रोटोन है, प्रोटोन भी पार्टिकल है, मैटर है, तो उसकी भी वेवलेंथ जाहिर है डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी एट द सेम स्पीड, यानी कि 40 मीटर पर सेकंड ही है इसकी। ठीक है, तो इसमें भी आपने डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है। और नेक्स्ट में इलेक्ट्रॉन व्हिच इज मूविंग एट द सेम स्पीड, तो इलेक्ट्रॉन है पार्टिकल आपके पास, जिसकी आपने डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड करनी है, और स्पीड जो है वो यही है 40 मीटर पर सेकेंड। यानी कि तीनों के लिए स्पीड एक ही दी हुई है, लेकिन इनके मैसेस चेंज होंगे। अब प्रोटोन इलेक्ट्रॉन का मास गिवन नहीं है, लेकिन ये कॉन्स्टेंट वैल्यूज हैं। ठीक है, और ये आपको याद भी होनी चाहिए, तो ये हम खुद से यूज करेंगे। ठीक है, डेटा में गिवन नहीं है, ये हम खुद से यूज करेंगे। तो क्या रिलेशन था डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, इसको इसका सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस अगर आपको याद हो तो वो था लैम्डा इक्वल्स टू एच ओवर पी, वेयर पी वाज द मोमेंटम, और उसको हमने एम वी से रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन है, यही तीनों के लिए यूज होगा। ठीक है, मैसेज और वेलोसिटी तो सेम है दोनों के, तीनों केसेस के अंदर, सिर्फ मास चेंज होगा जिससे आपकी वेवलेंथ की वैल्यू चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट केस यानी कि बॉल वाला केस जो है वो यूज करते हैं। बॉल का मास आपको दिया था 140 ग्राम, इसको आप किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 0.14 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो यूज किया हमने पॉइंट एच की वैल्यू लगाई 6.63 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 34 जूल। ठीक है, सॉरी जूल सेकंड, और एम की वैल्यू लगाई 0.14 केजी, और वी जो थी वो 40 मीटर पर सेकंड थी। तो ये सारी वैल्यूज लगाई, इसको सॉल्व किया, तो आपके पास आंसर आ गया
1.18 into 10 raised to the power minus 34 meter. तो ये बॉल की वेवलेंथ निकल आई है. नेक्स्ट था आपके पास बी पार्ट में था प्रोटोन. तो प्रोटोन का मास आपको पता है 1.67 into 10 raised to the power minus 27 किलोग्राम होता है. वो वैल्यू इधर लगाई, बाकी एच और वी की वैल्यूज तो एज इट इज रहेंगी. अब इन वैल्यूज को जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आता है 9.9 into 10 raised to the power minus 9 मीटर या 9.9 नैनोमीटर. ठीक है, ये प्रोटोन की वेवलेंथ आ गई आपके पास. बिल्कुल इसी तरह से जब आपने इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालनी है तो इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा. और इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है क्या होता है, 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kg किलोग्राम. बाकी एच और वी की वैल्यूज तो सेम रहेंगी. तो सॉल्व करेंगे इसको. ये देखें पावर सॉल्व हुई है, और सॉल्व करने के बाद जब आपने इसको रीअरेंज किया तो आंसर आ जाता है 1.82 into 10 raised to the power minus 5 मीटर. तो बॉल की वेवलेंथ ये आ गई, प्रोटॉन की ये आ गई और इलेक्ट्रॉन की ये आ गई. यहाँ से आप एक और चीज भी देख सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट हमने उधर पढ़ा था चैप्टर के अंदर, कि जो बड़ा मास होता है यानी कि बड़े मैं से मुराद है कि जो बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो ऑर्डिनरी लाइफ में हम देखते हैं, डेली लाइफ में देखते हैं, उनके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएट होती है वो बहुत ही छोटी होती है. देखिए 10 रेज़ टू द पावर माइनस 34 मीटर में आ रही है. तो हमारे पास अभी तक ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो इतनी छोटी वेवलेंथ को डिटेक्ट कर सके. ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं ये वेवलेंथ ना होने के बराबर ही है, और इसीलिए हमें डेली लाइफ में डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो फील नहीं होती है. ये सिर्फ तभी होती है जब मैसेस जो है वो छोटे हों, जैसे आपके पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो गए. ठीक है, प्रोटॉन्स हो गए, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स. तो इस तरह के केसेस में जहां हम सब एटॉमिक लेवल को डिस्कस कर रहे हों, वहां पे आपके पास डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो प्रोमिनेंट होती है, और वहां पे वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी जो है वो शो होती है. ठीक है, यहाँ से आपको ये भी यहाँ वेरिफिकेशन हो रही है एक्चुअली. ठीक है, इन आंसर्स को मैच कर लेते हैं. ये देखें 1.1 into 10 raised to the power minus 34 मीटर, ये है 9.92 नैनोमीटर, और ये है 1.82 into 10 raised to the power minus 5 मीटर. तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आए हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज 19.9. स्टेटमेंट इज व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन whose kinetic energy is 120 electron volt. आपने डी ब्रोगली वेवलेंथ बतानी है इलेक्ट्रॉन की, और उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बताई है 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बिल्कुल सिमिलर प्रॉब्लम है जैसे हमने पिछला वाला किया है, कि आपने वेवलेंथ ही निकालनी है जैसे पहले निकाली है इलेक्ट्रॉन की. इलेक्ट्रॉन का मास आपको गिवन है, फर्क सिर्फ क्या आया कि यहाँ पे वेलोसिटी की जगह काइनेटिक एनर्जी दे दी है. तो काइनेटिक एनर्जी अगर गिवन है तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं. ठीक है, सिर्फ हमने यही एक एक्स्ट्रा काम करना है इस प्रॉब्लम में कि वेलोसिटी निकालनी है, बाकी चीज बिल्कुल वही रहेगी जैसे हमने पिछले प्रॉब्लम में किया है. तो देखते हैं इसका सलूशन. काइनेटिक एनर्जी है 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन थी, इसको हमने जूल में कन्वर्ट कर लिया, तो ये आ गया 192 into 10 raised to the power minus 19 जूल. और हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड करनी है. ठीक है, ये फॉर्मूला था लेमडा इक्वल्स टू एच ओवर एम वी. वी नहीं है यहाँ पे तो वो हम काइनेटिक एनर्जी से निकाल लेंगे. क्या फॉर्मूला आता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर. इसको वी के लिए रीअरेंज करते हैं, वेलोसिटी के लिए रीअरेंज करते हैं, ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय मास. वी स्क्वायर की वैल्यू आएगी. ठीक है, तो सॉल्व करते हैं सबसे पहले, बाद में स्क्वायर रूट ले लेंगे. तो 2 मल्टीप्लाइड बाय काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kg. ठीक है, तो सॉल्व किया इसको, सॉल्व करने के बाद वी स्क्वायर का आंसर आ जाता है 42.19 into 10 raised to the power 12. अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे वेलोसिटी की वैल्यू निकालने के लिए, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद आंसर आ जाएगा 6.5 into 10 raised to the power 6 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो अब आपके जो फॉर्मूला है
उसके लिए सारी चीजें अवेलेबल हैं। एच कांस्टेंट है, एम की वैल्यू नोन है और वी हमने फाइंड कर लिया है। तीनों वैल्यूज लगाते हैं इसमें फॉर्मूले के अंदर, इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें ये पावर सॉल्व हो रही है, -9 आ गया यहाँ से। तो इसको जब रीअरेंज किया इस एक्सप्रेशन को तो ये बन गया इस एक्सप्रेशन को नहीं, इस वैल्यू को, तो ये बन गया 1.12 × 10⁻¹⁰ m। ठीक है, सो द डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर द इलेक्ट्रॉन इज 1.12 × 10⁻¹⁰ m। तो ये देखें बिल्कुल यही आंसर आया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 19.10, ये लास्ट प्रॉब्लम है आपके इस चैप्टर का। एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन अ बॉक्स अबाउट द साइज ऑफ एन एटम दैट इज अबाउट 1 × 10⁻¹⁰ m। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन? अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन है जिसको आपने एक बॉक्स के अंदर रखा है, ठीक है, और उस बॉक्स का साइज जो है वो एटॉमिक साइज के बराबर है और वो आपको बताया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन? आपने इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बतानी है। अब सबसे पहले तो आपने ये सोचना है कि यहाँ पे कौन सा केस या कौन सा लॉ या कौन सा प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई हो सकता है। तो ना यहाँ एनर्जी की बात है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने एक बॉक्स में उसको प्लेस किया है जिसका साइज आपको बताया है। अब जब साइज आपको बताया है तो साइज से जो है वो फौरन आपके जहन में एक चीज़ आनी चाहिए कि यहाँ पे पोजीशन का कोई चक्कर होगा। ठीक है, पोजीशन है और फिर उसके बाद आपसे वेलोसिटी मांगी है, तो आपको फौरन से जहन में आना चाहिए कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो सकता है, क्योंकि इसमें पोजीशन और मोमेंटम की अनसर्टेनिटीज थी, तो मोमेंटम के अंदर वेलोसिटी ऑटोमेटिकली आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई होना है इस केस में। ठीक है, अब जब आप कह रहे हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो सबसे पहले आपको अनसर्टेनिटीज चाहिए। ठीक है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या होगी? अब जब आपने बॉक्स के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रखा है, उस बॉक्स के अंदर वो कहीं भी प्लेस हो सकता है, कहीं भी मौजूद हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसकी पोजीशन के अंदर जो अनसर्टेनिटी होगी वो उस बॉक्स के साइज के बराबर होगी जिसके अंदर वो रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि बॉक्स के अंदर वो किस जगह पर है इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो बॉक्स के अंदर किसी भी जगह पर मौजूद हो सकते हैं। तो अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन जो है वो बॉक्स के साइज के बराबर है, जो कि 1 × 10⁻¹⁰ m है। ठीक है, तो जब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आ रही है, बॉक्स के अंदर वो कहीं भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो वेलोसिटी आएगी वो भी अनसर्टेन होगी। ठीक है, तो आप जो अब वेलोसिटी फाइंड करेंगे वो बेसिकली अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे प्रोसीड करना है। अच्छा जी, तो डेल्टा एक्स, ये देखें आपको अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जो है वो एटॉमिक साइज के बराबर बता दिया, उस बॉक्स के साइज के बराबर बता दिया, और इसकी रीजन मैंने आपको समझा दी है कि क्यों इस तरह आई है। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज 1 × 10⁻¹⁰ m। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻³¹ kg and you have to find the velocity of electron which is actually uncertainty in velocity. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज करते हैं। हमने यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं यूज किया है, ग्रेटर देन इक्वल टू यूज नहीं किया या अप्रोक्सीमेटली इक्वल नहीं किया, क्योंकि हमें एक प्रॉपर वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल्स टू एच, डेल्टा पी को इधर ही रखते हैं और आपके पास जो x है वो डिवाइड हो जाएगा। फिर आपको डेल्टा p पता है किसके बराबर है, m इंटू डेल्टा v। p जो है मोमेंटम जो है वो मास इंटू वेलोसिटी होता है ना, जब आप डेल्टा p कह रहे हैं तो मास इंटू डेल्टा v हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा v को आपने इसी तरफ रखना है क्योंकि ये फाइंड करना है, बाकी चीज़ों को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये h ओवर m इंटू डेल्टा x हो जाएगा। अब h की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, मास नोन है और डेल्टा एक्स जो है वो हमने प्रॉब्लम से देख लिया कि क्या होगा, जो कि एटॉमिक साइज या बॉक्स के साइज के बराबर ही था। वैल्यू सारी पुट कर दी है इस फॉर्मूले के अंदर और फिर इसको सॉल्व किया,
तो ये देखें ये सॉल्व हुआ है, ये पावर सॉल्व हुई नहीं है, तो फाइनली आपके पास जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है 7.28 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन या अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. मैच कर लेते हैं आंसर, तो ये देखें 7.29 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड. तो ये था न्यूमेरिकल 19.10. अब चैप्टर आपका कंप्लीट है. थैंक यू सो मच.